Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, everyone. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से यानी श्यामी हंस की तरफ से जय मसीह की। और आज श्यामी हंस अकेले नहीं है, आज मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी पत्नी, मेरी वाइफ परिहंस मेरे साथ हैं। तो हमारी तरफ से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को, अपनी प्रेयर को शुरू करें, आप सब जन हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगर मेरी आवाज़ आपको साफ आ रही है तो काइंडली अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए कि हमारी आवाज़ आपको अच्छी सुनाई दे रही है, क्योंकि हम आज फ़ोन से इसलिए लाइव हुए हैं कि आप हमारी आवाज़ को अच्छे से सुन पाएँ। और फ़ोन से इसलिए लाइव हुआ हूँ कि हम ख्याल हो सके हम एक दूसरे के साथ, क्योंकि फ़ोन से क्या है कि कनेक्टिविटी बनी रहती है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूँ, जितने भी लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, हम परी भी आपके कमेंट पढ़ सकती है, मैं भी आपके कमेंट पढ़ सकता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत 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 ब्लेस करे। और इससे पहले कि आज हम कुछ और बातें करें, मैं चाहता हूँ कि हम उससे पहले अपनी आँखों को बंद करें, परमेश्वर की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं, हम छोटी प्रार्थना में जाएंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जमीन और आसमान के बनाने वाले मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से। आज का बहुत ही खूबसूरत समय आपने हमारे जीवन में दिया कि आज मैं अपनी प्रिय पत्नी परिहंस के साथ अपनी पूरी फेसबुक फैमिली से मिला हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग आज हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, खुदावंद एक एक के जीवन में आपकी बड़ी बरकत आए। सब जन आशीषित हों हमारे जीवन से, सब जन आशीषित हों हमारी लाइफ से। मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि जितने भी कपल्स, जितने भी लोग रिलेशनशिप में इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, परमेश्वर एक एक के जीवन में आपका अनुग्रह ठहर जाए। मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा एक एक को छुए, ब्लेस करे। और यदि कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई टेंशन में है, कोई डिप्रेशन में है, यीशु मसीह के नाम से आज हम दोनों की एकता से, यूनिटी से और यूनिटी की प्रार्थना से वो आज़ाद होने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मसीहा, जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं और इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उन सबके जीवन में बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा आए और हम पर अपना कंट्रोल लें, यीशु के नाम में सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप मुझे काइंडली बता दीजिए कि आवाज़ ठीक आ रही है आपको? Praise the Lord, praise the Lord, thank you Jesus, hallelujah. Dipesh, God bless you. Thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. और साथ के साथ kindly share भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और जो लोग बाद में देखें उन तक ये पहुँच जाए। थैंक यू सो मच आप लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि परी एक बार सबको praise the Lord बोल दे, और उसके बाद फिर मैं कुछ और बातें जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे फजल किया कि आज मैं अपने पति शमी हंस जी के साथ लाइव आ सकूँ आपके बीच में। Praise the Lord। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सभी के लिए, आप जितनी भी हमारी सोशल साइट्स पर जुड़े हुई फैमिली हैं, मैं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ अपनी तरफ से। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, थैंक यू। Praise the Lord, thank you Jesus। परी फर्स्ट टाइम फेसबुक पे लाइव हो रही है, और मैं इसलिए आज लाइव आया हूँ कि मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोल सकूँ। और जितने भी लोग इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं और बाद में इस वीडियो को देखेंगे, आई रियली रियली वेरी थैंक यू सो मच। आप हम इतने अच्छे परमेश्वर के लोग हैं कि विशाल ब्रदर ऑक्सफोर्ड से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन अस, थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाद में मैं आप सबके नाम अनाउंस करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मैं आप सबका थैंक यू कर दूं, जितने भी लोगों ने हमारे गीत मेरे वास्ते, जो कि एक क्रिश्चियन वेडिंग सॉन्ग है और जिसको ओरिजिनली मैंने और मेरी वाइफ परी ने गाया है, एंड मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने उस गीत को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि आज वो गीत एक वीक में 2.5 लाख व्यूज़ जो है वो ले चुका है। और परमेश्वर का हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिलीजियस सॉन्ग और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन वेडिंग सॉन्ग ये गीत बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ, और परमेश्वर के बहुत सारे दास और बहुत सारी दासियां, यूथ, यंगस्टर, कपल्स जिन्होंने इस गीत को शेयर किया। और मैं खुदावंद के खादमों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने फेसबुक पेजेस पे, अपने फेसबुक आईडीज पे इसके लिंक को शेयर किया और लोगों को बताया कि अब क्रिश्चियंस लोगों के पास अपनी शादियों पे प्री वेडिंग शूट करने के लिए
और अपनी शादियों पे चलाने के लिए एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत है मेरे वास्ते, और जिसके वर्डिंग हमें ब्रदर जमशेद जैरमियो ने दिए, मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। और इसका म्यूज़िक तारी दी बीट ब्रेकर ने किया, मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ। वीडियो और ब्रदर रंजीत उपल ने किया, और परी हंस ने गाया, मैं इनका भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ उस गीत की तैयारी भी की। और मैं परमेश्वर का शुक्र गुज़ार हूँ कि मुझे अकॉर्डिंग टू बाइबल एक बहुत ही प्यारी वाइफ मिली है, एक बहुत अच्छा। मैं ऑलवेज कलीसिया को, चर्च को बताता हूँ कि बाइबल में जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम अपने आप में अकेला फील करता था, क्योंकि हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा था और आदम अकेला था। लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई और उसके लिए परमेश्वर ने एक औरत बनाई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया, परमेश्वर ने हस्बैंड और वाइफ करके बनाया, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि हस्बैंड और वाइफ का कोई जिक्र नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि मैं अब आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सहायक। देयर इज नो वर्ड वाइफ और हस्बैंड, देयर इज द वर्ड हेल्पर। सब बोले हेल्पर, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने आदम के लिए हेल्पर को बनाया, एक मददगार को, एक सहायक को बनाया। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जो अपनी वाइफ्स को हेल्पर की नज़र से नहीं देखते, वो उसको सहायक समझ के नहीं रखते, वो उनके ऊपर रूल करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को चाहते हैं कि जो उनकी फैमिली को अच्छी लगे, उनके परिवार को अच्छी लगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आज मेरी मैरिज को पूरे 9 दिन हो चुके हैं, 4 नवंबर को हमारी शादी हुई थी, और इन 9 दिनों में मैंने परी के अंदर परमेश्वर की बहुतायत की ब्लेसिंग को देखा है। और खुदावंद का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा सहायक मुझे दिया है, जो कि हमेशा प्रार्थना में मुझे इनकरेज करता है, परमेश्वर के वचन में मुझे इनकरेज करता है। थैंक यू सो मच परी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और इससे ज़्यादा मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मैन ऑफ गॉड और स्पिरिचुअल मेंटर एंड स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल रमन हंस जी का, जिनके थ्रू ये रिश्ता हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल कर रहे थे, क्या सवाल कर रहे थे परी? वो सवाल कर रहे थे कि आप अपनी मैरिज की टेस्टिमनी बताएं कि आपकी मैरिज कैसे हुई। तो उन सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये टोटली अरेंज मैरिज है। और मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में परी कनेक्टेड थी हमारे साथ, मिनिस्ट्री के साथ, लेकिन हमारे माइंड में ऐसी कोई भी इमेज नहीं थी कि हम हमारी शादी हो जाएगी या हम एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें सहायक करके जोड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैन ऑफ गॉड अपोस्टल रमन हंस जी ने मुझे पूछा कि शमी, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद है। तो इनसे ऑलरेडी बात हो चुकी थी, इनको पहले ही पता था कि मेरी मैरिज जो है वो ये मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ, अगस्त सितंबर में ही इनकी फैमिली के साथ परमेश्वर के दास और मेरे मामा पापा ने बात की, और उन्होंने सबने एग्रीमेंट के साथ हम दोनों को बताया, और उसके बाद अरेंज के बाद लव हो गया। परमेश्वर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसके बाद परमेश्वर के दास ने हमें एक दूसरे के साथ मिलने की अनुमति दी, और उसके बाद हमने एक दूसरे को जब जाना। और मैंने परी को यही कहा कि आई डोंट नीड नथिंग बिकॉज गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, और मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अपने लोगों से, मसीही कम्युनिटी से, और सबसे ज़्यादा मुझे अपनी कलीसिया से प्यार है। तो मैं परमेश्वर के लोगों को सर्व करना चाहता हूँ एंड ऑफ द डे ऑफ माई लाइफ, जितने दिन भी मैं संसार में हूँ, जब तक यीशु मसीह इस संसार में ना आ जाए या मैं उसके पास ना चला जाऊँ। तो परी ने मेरे विज़न के साथ अपने विज़न का एग्रीमेंट किया, हमने एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर प्रार्थना की, और परमेश्वर के दास प्रेरित रमानंद का बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे के लिए
एग्री होने के लिए, मिलने के लिए फोर्स भी किया और उन्होंने कहा कि आप दोनों मिनिस्ट्री में ब्लेस्ड होगे। मैं ये प्रोफेसी करता हूँ कि आप दोनों लोगों की बरकत का कारण बनेंगे। और मैं आप सबका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, फेसबुक फैमिली का, सोशल मीडिया नेटवर्क का, जिन्होंने उस गीत को भी इतना प्यार दिया है। और आप बचपन से मुझे प्यार करते आ रहे हैं, मेरे गीतों को प्यार करते आ रहे हैं, और मेरे साथ साथ आपने परी को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, अब आप पूछेंगे मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि परी की वोट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आपसे भी अच्छी आवाज़ है। तो मैं परमेश्वर का इस बात में भी मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वाइफ परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। बाइबल बताता है कि जिसे अच्छी पत्नी मिली उसे अच्छी चीज़ मिल गई। परमेश्वर जिनको जोड़ता है वो बहुत ही प्यार से और सोच समझ के जोड़ता है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो हस्बैंड और वाइफ परमेश्वर के डर में रह कर के अपने रिश्ते को संभालते हैं, उनका रिश्ता कभी ब्रेक नहीं होता। जितने भी कपल्स हमें सुन रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स में लोग हैं, जो हस्बैंड और वाइफ्स हैं, मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड के साथ प्यार करने का, रहने का, प्रार्थना करने का आनंद ही कुछ और है। इस संसार में जब आप जाते हैं या आप जाएंगे या जा रहे हैं, तो इस संसार में आपको पाप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एक सच्चे रिश्ते में आ जाते हैं, आप एक सच्ची रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो परमेश्वर आप दोनों को ब्लेस करता है। बाइबल बताता है कि धन्य है वो दोनों जो मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत की खट्टी जो है, उनकी मेहनत का अजर जो है वो बहुत तायत से मिलता है, लेकिन हाय उसके ऊपर जो अकेला गिरता है। क्योंकि दो इसलिए होने ज़रूरी हैं, यदि एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठा लेगा। ऐसा ना हो कि कहीं हस्बैंड बेचारा गिर रहा है और वाइफ उसको और गिरा दे, या वाइफ गिर रही है और हस्बैंड उसको और गिरा दे। नहीं, आप एक दूसरे को उठाने वाले होने चाहिए। मेरे साथ परी है, इसने कहना कि मैं ही बोली जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक दो मिनट परी आप ज़रूर मेरी फेसबुक फैमिली से, मेरी नहीं अब तो हमारी हो गई है, हमारी फेसबुक फैमिली से आप ज़रूर बात करें। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ। आप सभी शमी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर की कि ये मेरे सोच और समझ से बाहर था। मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे इतनी बड़ी सेवकाई में लेकर आएगा। पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी लंबे समय से यही प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर के मेरी ज़िंदगी में जो भी मेरा जीवन साथी हो वो आपका सेवक हो। Amen. और मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मैं आपकी सेवकाई करना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपोस्टल रमन हंस जी की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। ये सब उनकी प्रेयर से है, और आपके प्यार के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया, सॉन्ग को आपने इतना प्यार दिया, और यही कहना चाहती हूँ कि सॉन्ग को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जितने कपल्स हैं वो उसे सुन सकें। क्योंकि उसके जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने लव को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो वर्ड ऑफ गॉड से रिलेटेड है, और हर एक उसका जो वर्ड है वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। Amen. Praise the Lord. और जब उस गीत के बारे में मुझे पता लगा, तो मैंने प्रेयर की, और जब मैंने उसके लिरिक्स को पढ़ा, मुझे ऐसे लगा कि ये परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी एक नियमत दी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। मैं थैंक्स करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं सबके कमेंट्स हम दोनों देख पा रहे हैं। थैंक यू सोनिया वटी, थैंक यू। और बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री में जब से हम, और आज हम मिनिस्ट्री के पेज से लाइव नहीं है, आज हम, मैं अपने पर्सनल, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2-3 महीने पहले मैंने एक पेज बनाया ताकि मैं पर्सनल अपने बहनों और भाइयों से, अपने दोस्तों से, फेसबुक फैमिली से पर्सनल बात कर सकूं, अपनी पर्सनल जो मेरी डिज़ायर्स हैं, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उसको इस पेज पे शेयर कर सकूं। तो इसलिए मैं, क्योंकि मिनिस्ट्री का पेज इट्स ओनली फॉर वर्ड ऑफ गॉड और परमेश्वर के कामों के लिए। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें मेरे मॉम डैड का
बहुत बड़ा हाथ रहा है इस मैरिज में. इस मैरिज में उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और उन्होंने सच में अपने मॉम डैड होने का बहुत अच्छा फ़र्ज निभाया है. और परी भी बहुत प्यार ले रही है फैमिली से. आज 9 दिन हो चुके हैं, खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमने जैसे ही हम मैरिज करवा के आए हैं, आप परी को देख सकते हैं, शी इज़ वेरी सिंपल गर्ल और बहुत ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करने वाली है. और जैसे ही हम मैरिज से फ्री हुए हैं तो 7 तारीख को वी हैव जंप्ड इन मिनिस्ट्री. हमने 7 तारीख को, जैसे 4 को हम 4 को हमारी मैरिज हुई, 5 को रिश्तेदार वगैरह और कलिसिया के लोग सब अपने अपने घरों को चले गए, 6 की फिर छोटी सी रिसेप्शन थी. रिसेप्शन में हमने सबको पार्टी दी, और उसके बाद संडे बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हो रहे थे कि आपने हमें बुलाया नहीं. लेकिन आप सब जानते हैं कि बिकॉज ऑफ COVID-19 और गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर पा रहे थे. थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, कीप शेयरिंग. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ आपकी दुआओं से. और जितने भी लोग मुझे इंडिया से, अब्रॉड से देख रहे हैं, आपने इतना प्यार दिया, इतने कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आए हैं, इतनी विशेज आई हैं. आई एम रियली वेरी सॉरी मैं जिनको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ. परी ने भी बहुत सारे रिप्लाईज किए हैं, मैंने भी अपने हाथों से, अपनी आँखों से देख कर. रियली इट्स वेरी, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस के आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं. ये मुझे उस दिन पता चल रहा था जब मैंने अपनी शादी के फोटोज़ जो हैं वह चर्च मीडिया को बोला और उन्होंने शेयर किए, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमेज हो गया कि यार, मतलब मेरे लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ वाकई में वो मुझे इसका रिप्लाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स, फॉर योर लव. इंग्लैंड से, अमेरिका से, मतलब जहाँ जहाँ भी 10-15 कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया है, हर एक परमेश्वर की दासी ने, परमेश्वर के दास ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है. और साथ के साथ परी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसके सॉन्ग को, इसकी आवाज़ को. और आप रियली, मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी का और भी जो लोग हमें प्यार करते हैं उनका किस तरह से मैं थैंक्स करूँ. तो मैं बस आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि आप जूंदे वास दे रहो बस. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद यीशु मसीह आपको इतना बढ़ाए और आपको इतनी ब्लेसिंग दे के आपसे संभाली ना जाए, और आप उस ब्लेसिंग को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करो. सो थैंक यू सो मच अपोस्टल जी. अगर आप हमें कहीं सुन भी रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तो वी रियली लव यू. यू आर आर स्पिरिचुअल मेंटर एंड आर स्पिरिचुअल फादर, एंड वी प्रोमिस यू कि हम जब तक इस संसार में हैं, यीशु मसीह के आने तक या हम उसके पास ना चले जाने तक, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करेंगे. Amen. हम लोगों को बताएंगे कि यीशु जिंदा है. Yes. इसीलिए शैतान शर्मिंदा है. प्रेज द लॉर्ड. सो खुदावंद आपको इतनी ज़्यादा बरकत दे. और इसी तरह से हमारे बहुत सारे और भी प्लान्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं. आप और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं. हमारे फेसबुक पेजेस को, रमानंस मिनिस्ट्री पेज को आप लाइक कर सकते हैं. इस पेज पे जहाँ से मैं लाइव हो रहा हूँ, अगर आप हमारी पर्सनल लाइफ के व्लॉग्स और पर्सनल लाइफ के कुछ ब्लेस्ड मोमेंट्स देखना चाहते हैं, तो आप इस पेज को भी लाइक कर सकते हैं. और मेरा यूट्यूब चैनल शमियंस ऑफिशियल पे जाके आप मेरे वास्ते सॉन्ग को सुन सकते हैं. खुदाए शुक्र है तेरा को आपने बहुत प्यार दिया है. थैंक यू सो मच. और बातें तो बहुत सारी हैं मेरे पास करने के लिए, लेकिन टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा. कुछ लोग तो बाद में ये बोलते हैं, अरे अरे यार, डाटा ही ख़त्म हो गया हमारे फ़ोन का. तो जिनके पास तो परमेश्वर ने डाटा दिया हुआ है, उनके लिए भी थैंक यू. और आज कुछ लोगों ने हमारे लाइव को देखने के लिए बचा के रखा हुआ. मुझे काफ़ी मैसेजेस आए, वी आर सो एक्साइटेड कि आप कब दोनों इकट्ठे फेसबुक पे लाइव आएंगे. तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आप सबका. मुझसे बहुत बड़े परमेश्वर के दास और दासियाँ भी वॉच कर रहे हैं, मैं उनके नाम पढ़ पा रहा हूँ. तो मैं उनको दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलना चाहता हूँ. मतलब जितने भी लोगों ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड से हमें विशेस भेजी हैं, और मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी 3-4 लोगों का आया है घर पे. मैंने परी के साथ शेयर किया था जिस दिन मेरी बारात थी, जिस दिन मैं परी को still we are receiving bouquets, cards and you know sweets के डिब्बे, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज़ें रिसीव कर रहे हैं. और लेकिन वो एक ना ऐसी मोमेंट थी उस दिन, 4-5 लोगों ने अमेरिका से और इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से,
उन्होंने क्या किया कि मुझे, मैं अभी जैसे ही डोर से बाहर निकल रहा हूँ तो बाहर वो जो कुरियर वाला होता है, वो बाहर बड़ा सारा बुक के लेके खड़ा हुआ है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, यार ये क्या? बोले ब्रदर जी आपकी शादी के लिए सरप्राइज भेजा है। तो जब मैंने पढ़ा वहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी बहन सिस्टर इंदु, ब्रदर संजीव और सिस्टर क्लॉडिया, सिस्टर सिमरन एंड मतलब जितने भी सुखी भाई, सबने विशेस भेजी हुई उन कार्ड्स के ऊपर। और मतलब बी ऑनेस्ट, मेरे पास अभी नाम भी भूल गया हूँ मैं, कितने इतने लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, विशेस भेजी हैं। थैंक यू सो मच। आपको चमकौर साहिब का पता कैसे चला? वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने किसी को अपना एड्रेस नहीं दिया, घर का कुछ नहीं, लेकिन ये प्यार है आपका, ये आपकी मोहब्बत है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है। लव यू सो मच और थैंक यू सो मच। एंड हम इसी तरह से हम प्रॉमिस करते हैं आपके साथ भी और परमेश्वर के साथ भी कि हम एक दूसरे के साथ इसी तरह से बने भी रहेंगे और हम परमेश्वर की सेवा को बहुत 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 सारे लोगों तक लेकर जाएंगे, उसके कलाम को, और बहुत सारी रूहें बचेंगी। मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, बहुत सारे लोग अबंडेंस ब्लेसिंग पाएंगे। हमने अपनी प्रेयर लाइफ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है खुदावंद के फजल से। मैं पहले भी पूरी कलिसिया को, चर्च को बता चुका हूँ कि मेरी, जब से मैंने अपनी मसीह जिंदगी को सीरियसली स्टार्ट किया है, मेरी टाइमिंग जो है वो प्रेयर की 4 o'clock to 7 o'clock है। उसमें मैं अपनी वर्शिप करता हूँ, रियाज करता हूँ, उसमें मैं परमेश्वर की हुजूरी में बना रहता हूँ और 4 to 7 मैं अपने खुदा को टाइम देता हूँ। तो यही रूटीन परिगी बन चुकी है, इससे पूछ लीजिए 9 दिन हो चुके हैं। मैं इसको रोज 4 बजे उठा देता हूँ और Exactly, कभी कभी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है कि परी मुझे उठा देती है और हम मिलके परमेश्वर Literally, की, we are enjoying in presence of God. प्रेज द लॉर्ड, हम और परमेश्वर की हुजूरी में बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। और मैं यूथ को स्पेशली इनकरेज करना चाहता हूँ, हमें अपने चर्च में म्यूजिशंस की ज़रूरत भी है अभी, और हमें एक मतलब अच्छा ड्रमर भी चाहिए। जो लोग हमें और हमारी मिनिस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस Many संडे plans. आकर के हमें मिल सकते हैं। वी हैव अ सो मैनी प्लान्स, सो मैनी प्लान्स, और मैं वो धीरे 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 आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम यूथ मिनिस्ट्री में हैं, परी भी यूथ मिनिस्ट्री में है, मैं भी यूथ मिनिस्ट्री में हूँ, और हमारे चर्च यूथ हमारे साथ हैं। जितने भी बिल्कुल चर्च यूथ मुझे वॉच कर रहे हैं, कीप इनकरेज इन जीजस नेम। खुदा यीशु मसीह ने आपको बहुत बढ़ाना है, बोलो आमीन। Amen. और परमेश्वर की सेवा देखो, अभी नहीं बचा है इंडिया, अभी नहीं बचा है पूरा वर्ल्ड, यीशु मसीह अभी नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप उसकी सेवकाई को लेकर आगे नहीं जाएंगे, तब तक उसका आना नहीं होगा। बाइबल बताता है कि जब तक एक एक घुटना उसके सामने नहीं झुकेगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं होगा। हर जुबान को कन्फेस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत सारी जुबानें बाकी हैं जिन्होंने कन्फेशन नहीं किया। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ परी आप पढ़ लो। यूहन्ना उसका 9 अध्याय और 4 वचन, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यूहन्ना की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। वो अपने चेलों को क्या बता रहे हैं कि जिसने मुझे भेजा है उसने क्या किया है, हमें काम दिया, और वो काम हमें दिन ही दिन में क्या करना है, कंप्लीट करना करना है। सारे बोलो क्या करना है, कंप्लीट कंप्लीट करना है उस काम को, यानी कि सेवकाई काम। जीसस क्राइस्ट हैड ओनली 3.5 years टू डू मिनिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ 3.5 साल थे सेवकाई करने के लिए, और उन्होंने भी बोल दिया कि मेरे पास दिन ही दिन में करने के लिए काम है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं अपना काम दिन में समेट दूं। लेकिन रात में वो बोल रहे हैं, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकेंगे। एक समय नियुक्त किया गया है, एक टाइम आ चुका है जब आपको शैतान और उसके दूत कुछ नहीं करने देंगे। इसलिए यही समय है, ये जो चल रहा है, ये प्रेजेंट है, यही समय है कि हम परमेश्वर के कामों को कंप्लीट करें, ताकि आपके लिए हेवन का डोर खुल जाए। आपके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को बोले, ये मेरा बंदा, ये सेवकाई करके आया, ये मेरी दासी है, ये सेवकाई करके। देखो, नेम और फेम परमेश्वर के हाथ में है, उसकी हमें कोई लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है। परी बहुत नॉर्मल फैमिली से है। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया
कि शमी हंस जी ने बहुत रिच लड़की से शादी की है, बहुत अमीर घराने से ये कुड़ी को लेके आया है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, हम यस हम अमीर हैं क्योंकि हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रेज द लॉर्ड। यस वी आर ब्लेस्ड बिकॉज वी आर अ जनरेशन ऑफ रॉयल प्रीस्टहुड, हालेलुया। हम शाही जाजकों की मंडली हैं, लेकिन अगर फिजिकली और मटेरियलिस्टिकली हम देखें तो हमें दुनियावी चीज़ों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और पर बहुत ज़्यादा नॉर्मल फैमिली से है, लेकिन हमारा घराना जब यीशु मसीह से जुड़ जाता है तो हम नॉर्मल नहीं रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा उत्तम लोग बन जाते हैं। और डेफिनेटली जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए प्रेयर करें, तो मैं डेफिनेटली उनकी हेल्थ के लिए, उनके जितने भी लाइफ में इश्यूज हैं उनके लिए प्रेयर करूंगा, उनके बिजनेस के लिए प्रेयर करूंगा, परी आज आपके लिए प्रेयर करेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने भी अपने कामों को पूरा करने के लिए एक टाइम नियुक्त किया, तो इसलिए समय नहीं है काफ़ी, काम बहुत है बाकी। तो इसलिए परमेश्वर का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उसने परी को मेरी लाइफ में सेंड किया, और परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी सहायक बनाकर इसको भेजा। थैंक यू अपोस्टल जी अगेन, और जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं आप भी इसी तरह से परमेश्वर में बने रहे। मैं आज सारे कपल्स को ब्लेस करता हूँ, जितने भी लोग रिलेशनशिप्स में हैं, आप काइंडली एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ जल्दी बनाएं। रिलेशनशिप्स कैन बी ब्रेक, रिलेशनशिप टूट सकती है, लेकिन जो सहायक का रिश्ता है, जिनकी फाउंडेशन यीशु मसीह के ऊपर है, वो कभी टूटता नहीं है। तो इसलिए आपके अंदर परमेश्वर का डर, उसका भय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच ऑल अगेन, आज हम सिर्फ थैंक यू करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आज हम थैंक यू करने के लिए आप सबके साथ लाइव हैं। और लास्ट में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर आपको बहुत ताइत से आशीष देंगे। परमेश्वर के जन फास्टिंग में, प्रेयर में हैं, अपोस्टल जी प्रेयर में हैं, फास्टिंग में हैं, और इस संडे हमारी ले हैंड सर्विस भी है, और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो चमकौर साहिब चर्च में आकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। परमेश्वर के दास आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, और हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा ईमान है आप सेम नहीं रहेंगे, यीशु मसीह आपकी ज़ात को बदल देगा, यीशु मसीह आपके अंदर के गरूर को ख़त्म कर देगा, यीशु मसीह आपके घर की गरीबी को ख़त्म कर देंगे, यीशु मसीह आपके लिए वो सब कर सकते हैं जो एक इंसान नहीं कर सकता है। इंसान कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, बाइबल बताता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने वालों पर हाय है, लेकिन धन्य है वह जो यहोवा परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं। सब बोले आमीन। तो मैं परी से रिक्वेस्ट करूंगा कि परी हम दोनों हाथ में हाथ पकड़ें, और हम यूनिटी में आ चुके हैं। यदि हस्बैंड और वाइफ हमें सुन रहे हैं तो आप भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए इस तरह से जैसे हमने पकड़ा है, और परमेश्वर से आज दिल से दुआ मांगें कि परी आज जो भी आपके लिए प्रार्थना करे वो प्रार्थना ग्रहण हो, उस प्रार्थना से आपके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस जो के खराब चल रहे हैं वो सही हो जाएं, और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। तो परी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप काइंडली जितने भी फेसबुक फैमिली हमें देख रहे हैं इनके लिए प्रार्थना करें। जी, प्रार्थना करने से पहले कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक जन तक ये वीडियो पहुँच सके, और जो कपल्स हमें देख रहे हैं या वो भी लोग जो अनमैरिड हैं जो देख रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये प्रार्थना आपके बरकत के लिए और आपकी भलाई के लिए है। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे, दिल से परमेश्वर को पुकारेंगे। हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे खुदावंद, जो आपने अपने लोगों के जीवन में दिया मेरे खुदावंद। जितने भी लोग प्रभु फेसबुक के माध्यम से और हमें वॉच कर रहे हैं प्रभु, अलग अलग जगहों से, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग कंट्रीज से मेरे परमेश्वर खुदावंद, संसार भर के किसी भी हिस्से से मेरे परमेश्वर जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं मेरे प्रभु, उन सभी को मैं आपके लहू में ब्लेस कर देती हूँ, समर्पित कर देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। अपना सामर्थी हाथ बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, सभी देखने वालों को छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता खुदावंद। जितने भी लोगों ने हमें खुदावंद इस संसार भर के अलग अलग हिस्सों से खुदावंद विशेस दी हैं, हमें ब्लेस किया है, हमसे छोटे हमसे बड़े और खुदावंद हमारे हम उम्र, मेरे परमेश्वर हर एक जन को आप ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद खुदा, मेरे परमेश्वर, जैसे आपके वचन में लिखा है कि मेरे परमेश्वर पिता
खुदावंद बोलने वाले हम नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा है मेरे परमेश्वर। आज हमारी जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द मेरे खुदावंद जिसके कानों में भी जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो असीम कृपा को असीम ब्लेसिंग्स को रिसीव करे मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, जितने भी लोगों ने अपने प्रार्थना विषय खुदावंद कमेंट्स में लिखे हैं, जो खुदावंद मेरे परमेश्वर प्रभु उनके हृदय की बातें हैं मेरे प्रभु आप उन्हें जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम यूनिटी में आते हैं, मैं अपने पति के साथ यूनिटी में आती हूँ जैसे कि आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि जो भी हम ईमान के साथ मांगते हैं आप हमारे लिए करते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर देखने वालों को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, और खुदावंद खुदा जैसे आपने हमें आशीषित किया है प्रभु उत्तम से भी बढ़कर मेरे प्रभु आपने हमें आशीष दी है मेरे परमेश्वर, सोच और समझ से बढ़कर आपने हमें इस रिश्ते में मजबूती दी है मेरे परमेश्वर प्रभु। वही खुदावंद ब्लेसिंग और वही स्पिरिट मैं इनके रिलेशन में मांग लेती हूँ प्रभु। जो रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में उनके रिश्ते में रिवाइवल आए मेरे परमेश्वर, रिस्टोरेशन आए मेरे परमेश्वर पिता। रिस्टोर कीजिए मेरे खुदावंद खुदा और मेरे परमेश्वर पिता जितने भी लोग जितने भी यंगस्टर अनमैरिड हमें वॉच कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, अगर वो किसी गलत रिलेशन में है तो मेरे परमेश्वर उनके ऊपर अपने आत्मा के द्वारा रिवील करे और मेरे प्रभु सही जीवन साथी सही समय पर उनके जीवन में लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावंद खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से मेरे प्रभु जी अपनी इतनी प्यारी खुदावंत फेसबुक फैमिली के लिए जिन्होंने हमें प्यार दिया मेरे प्रभु खुदावंत, इसके बदले में इन्हें 100 गुना ब्लेसिंग दे डबल फोल्ड के साथ मेरे परमेश्वर पिता, इनकी ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई कर प्रभु। यहोवा शालोम मैं आपकी शांति इनके घर में मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। यहोवा यरे हर एक के जीवन में आप मुहैया कीजिए क्योंकि आप मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं। देखने वाले एक एक जन को ब्लेस करें जो कमेंट्स कर रहे हैं, खास तौर से मेरे परमेश्वर उन्हें ब्लेस करें मेरे प्रभु क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर मेरे प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रार्थना की यूनिटी में जुड़े हुए हैं। जितने लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह औरों के साथ प्रभु जी इस ब्लेसिंग को साझी किया है मेरे प्रभु उन्हें और दुगनी आशीष देना, उन्हें और दुगनी ब्लेसिंग देना मेरे परमेश्वर पिता। अपने वचन के अनुसार मेरे खुदावन उन्हें ऊंचे पर लेकर जाना और मेरे प्रभु मैं दिल से एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर। एक एक जन को अपने सामर्थ से छू लो, एक एक जन को अपने सामर्थ से छू लो। बहुत से लोगों ने खुदावंद कमेंट किया, उन्होंने लिखा खुदावंद के वो जिस भी सिकनेस में है प्रभु उनकी सारी सिकनेस प्रभु यीशु मसीह के नाम में चली जाए, यीशु के नाम से चली जाए यीशु के नाम में। और मेरे परमेश्वर पिता जैसा कि खुदावंद आपके दास ने अनाउंस किया मेरे प्रभु आने वाले संडे में ले हैंड सर्विस है मेरे परमेश्वर, जैसे आप अपने दास प्रेरित रमन हंस जी को बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, मैं मांग लेती हूँ खुदावंद खुदा मेरे परमेश्वर इस एतवार को जितने भी लोग आए जो हमें वॉच कर रहे हैं और जिन तक भी मेरे खुदावंद हमारी आवाज जाए मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग आपके भवन में चमकौर साहिब में आए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आशीष को प्राप्त करें, वो दुगने मसे को प्राप्त करें मेरे परमेश्वर। अभी से उन्हें छू ले मेरे परमेश्वर पिता, जो बीमारी में है उनके बीमारी के बिस्तर पर आप उन्हें छू ले मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे परमेश्वर प्रभु जिस तरह से मेरे खुदावंद हमने आशीष को प्राप्त किया है वो लोग भी मेरे परमेश्वर बड़ी गवाहियों के साथ आ सके। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा जी, आपके नाम को आदर और महिमा देती हूँ खुदावन, क्योंकि आप ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। We are nothing, Lord, but we submit our everything in your mighty hands. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. मैं होली स्पिरिट में फील कर रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में अभी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने उस हिस्से पर हाथ रखें जहां पर आपको दर्द हो रहा है, परमेश्वर अभी आपको छू रहे हैं, अभी आपको चंगा कर रहे हैं, और मेरा ईमान है कि आप अभी अभी आप चंगे हो रहे हैं और आप हमें ईमेल्स में हमारे फेसबुक मैसेजेस में अपनी टेस्टिमनी को भेजेंगे, आप संडे को आकर अपनी गवाही को देंगे कि अभी आपके दर्द जा रहे हैं, अपना हाथ अपने दर्द वाली जगह पर रखें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी दर्द से पीड़ित लोग मुझे वॉच कर रहे हैं प्रभु, जिनके बैक में दर्द हो रहे हैं, जिनके घुटनों में दर्द हो रहा है प्रभु जी, जिनके शरीर के हिस्सों में जॉइंट्स पेन हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से बी हील्ड इन जीसस नेम।
चंगे हो जाओ। Amen, अभी इसी वक्त मैं यीशु का लहू आपके ऊपर लगाता हूँ, मैं तुम्हें ब्लड ऑफ जीसस में कवर करता हूँ। अपने मुंह से बोलें यीशु तेरे लहू की जय। सब अपने मुंह से बोलें यीशु तेरे लहू की जय। 10 बार अपने मुंह से बोलें यीशु तेरे लहू की जय। जब आप यीशु के लहू की जय कर रहे हैं आप चंगे हो रहे हैं। आप यीशु के लहू की जय कर रहे हैं क्योंकि उसका लहू पवित्र है, उसका लहू मेडिसिन से भी बढ़ के है। आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेसिंग को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप बढ़ोतरी को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और जिन लोगों के वीजा में प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि बहुत सारे लोग एजेंट्स को पैसे देकर फंसे हुए हैं उनके पैसे, और वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने अभी अभी मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। अपने पासपोर्ट लेकर आए जल्दी, मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। जल्दी से अपने पासपोर्ट्स अपने हाथ में पकड़ें। हम आपके पासपोर्ट्स के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं सब जन प्लीज। इस वक्त हम यहाँ पर परमेश्वर की भारी अनॉइंटिंग को महसूस कर रहे हैं। बाइबल बताता है कि जहाँ पर 2 या 3 मैं और परी 2 हैं और परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है वो तीसरा है, प्रभु यीशु मसीह तीसरा है। और आपके मध्य भी प्रभु यीशु मसीह इस वक्त खड़े हैं। अपने पासपोर्ट्स लेके आए। परमेश्वर अभी आपको अच्छे कंट्री के वीजा प्रोवाइड करवाने के लिए जा रहे हैं। और आप सब जन संडे को गवाही के साथ आ रहे हैं। मैं ये ईमान रखता हूँ, मैं ये विश्वास रखता हूँ, आप बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हैं। ओ रबाबा सी खंदर रमन दो रो होली स्पिरिट वी वेलकम यू, होली स्पिरिट वी वेलकम यू। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। यस अपने हाथ में पकड़े, थैंक यू जीसस। यस हाँ मैसेज आया कि उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम आई प्रे। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर सेना की यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन लोगों ने अपने पासपोर्ट्स को अपने हाथ में पकड़ा है, अपने एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में पकड़ा है जी, वो लोग भी अपने हाथ में पकड़ ले जिनके पासपोर्ट एम्बेसी में है और उनके पास डॉक्यूमेंट्स रिसीट्स हैं, लिस्टें हैं। उन लिस्टों पर अपने हाथ रखें, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने हाथ रखें। परमेश्वर अभी क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। कनाडा के वीजे फंसे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ यूके के वीजे फंसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के वीजे फंसे हुए हैं। स्टडी बेस पे कुछ बच्चे जाना चाह रहे थे, 14-15 लाख रुपए उनके फंसे हुए हैं। परमेश्वर अभी रिलीज कर रहा है, अभी 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 परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को ले रहा है। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में सारे काम पूरे हो चुके हैं, मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा आए और अपने बच्चों पर अपना कंट्रोल ले। जिन लोगों के दर्द ठीक हुए हैं मैं विश्वास करता हूँ आज के बाद कभी दर्द नहीं होने पाए, कभी दर्द उनके पास ना आए। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यूनिटी की प्रार्थना से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन, आमीन, जोर से कहें आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हो यस हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी कितनी अच्छी है, हालेलुया। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं तो सचमुच बड़े कामों को, बड़े मिरेकल्स को पाते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन हालेलुया। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, जैरस की बेटी को जिंदा किया, 9 विधवा के बेटे को जिंदा किया। मैं कितने काम उसके बताऊं। लिखा है कि यदि उसके काम लिखे जाते तो इस धरती पे किताबें भी ना समाती। इतने बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। तो आज भी वही परमेश्वर, वो कहता है कि मैं आज कल और युगों युगों तक एक जैसा हूं, मैं कभी चेंज नहीं होता। तो यदि मेरे कल 2000 साल पहले होते थे तो आज भी होते हैं, यदि टेस्टिमनीज 2000 साल पहले होती थी आज भी होती हैं, यदि प्रोफेसी उसने की आपके लिए कि आप धरती के कोने कोने तक मेरे गवाह होंगे, तो इसका मतलब वो प्रोफेसी पूरी होनी है और आपने करना है उसके लिए काम, आपने गवाही देनी है प्रभु यीशु मसीह के नाम की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेमनेंस मिनिस्ट्री द चर्च ऑफ ग्रेस एंड ग्लोरी ऑलवेज आपके लिए खुला है। हमारा चर्च अब ओपन हो चुका है पूरी तरह से। रेमनेंस मिनिस्ट्री द चर्च ऑफ ग्रेस एंड ग्लोरी पूरी तरह से ओपन हो चुका है। कोई भी जन आकर के परमेश्वर की सेवा कर सकता है, कोई भी जन आकर के परमेश्वर के लिए आराधना कर सकता है। संडे को हमारी चर्च की टाइमिंग 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक है। तो आप सब जन आकर के परमेश्वर की हुजूरी में ब्लेसिंग को पा सकते हैं। लोग चंगे हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। जब आप कहते हैं कि जब तक कोयला भट्टी में रहता है तो वो लाल रहता है, क्या रहता है, लाल रहता है, लेकिन जब कोयला भट्टी से निकाल लिया जाता है तो वो काला पड़ जाता है। तो इसलिए संगति फेलोशिप जो है वो एक भट्टी है, परमेश्वर का आत्मा एक भट्टी है। जब तक आप उसमें रहेंगे आप लाल रहेंगे, आपके चेहरे चमकते रहेंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के भंडार आते रहेंगे। लेकिन जब आप संगति से दूर हो जाएंगे आपको अपनी लाइफ खोखली लगनी शुरू हो जाएगी, आपको आपके जीवन का खालीपन सताएगा, आपको आपके जीवन का अकेलापन सताएगा। इसलिए दोस्तों, यूथ, बड़े छोटे जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, संगति के साथ, फेलोशिप के साथ जुड़ जाएं, कलिसिया में आकर के
आपको साबुन लगता है परमेश्वर के वचन का और सारी मैल उतर जाती है। सब बोले आमीन। सो थैंक यू सो मच परी अगेन कि आप मेरे साथ, आपने मुझे चुना और खुदावंद का शुक्र गुजार हूँ कि अपोस्टल परमेश्वर ने हम दोनों को ब्लेस किया है। और ओके जीसस क्वींस कह रही हैं कि हम तीन सिस्टर्स अनमैरिड हैं और लोग हमें ताने मारते हैं, प्रेयर फॉर द सिस्टर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ जिन बच्चों के रिश्तों में रुकावट है, जिन बहनों और भाइयों के रिश्तों में रुकावट, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर प्रोवाइड करें। प्रभु जी आप तानों का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। आपके कलाम में लिखा है कि धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें बोलियां मारते हैं। मेरे परमेश्वर इन लोगों के लिए अपने मिरेकल करें। इन जीसस नेम आई प्रे। सब बोले आमीन। रिसीव करें बहन अपनी ब्लेसिंग्स को अपने सिस्टर्स के लिए और अपने लिए। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया। फिर से मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। कल का फ्राइडे लाइव आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, मैं विश्वास करता हूँ। और कल ठीक 8 बजे, क्योंकि हमारे फ्राइडे लाइव की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, तो कल 8 बजे फिर से परमेश्वर की हुजूरी में मिलेंगे नई ब्लेसिंग के साथ, नए मसीह के साथ। और संडे को मैन ऑफ गॉड अपोस्टल रमानंस विल बी डू अ ले हैंड सर्विस। वो लोगों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। 2005 से वो ले हैंड सर्विस कर रहे हैं और आज तक थके नहीं है। सब बोले हालेलुया। लाखों लोगों के लिए प्रेयर कर दी, लाखों लोगों ने आशीषों को पा लिया, लाखों लोगों ने चंगाई को पा लिया। लेकिन इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं, इसमें सारा आदर महिमा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाता है, बिकॉज ही इज अ वर्दी टू ग्लोरी। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया। मेरा ईमान है कि आप सबको हम दोनों अच्छे लगे हैं और आप सबने हमें बहुत ज़्यादा विशेज भेजी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है। और थैंक यू सो मच अगेन इस मिनिस्ट्री को, रमनहंस मिनिस्ट्रीज को, शमी हंस ऑफिशियल चैनल को यूट्यूब के ऊपर वॉच करते रहें। परमेश्वर के दास प्रेरित रमनहंस के बहुत अच्छे अच्छे सरमन्स मैं खुद भी पर्सनली बहुत सुनता हूँ और उनके वर्ड्स में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, पावर है, नॉलेज है और बहुत ज़्यादा अच्छा कलाम खुदा ने उन्हें दिया हुआ है। और मिरेकल्स हो रहे हैं, टेस्टिमनी। जहां पर देखो खुदा का कलाम है वहां पर चमत्कार तो होना जरूरी है, क्योंकि जिंदा कलाम जहां पर जाता है, यस्सू यहां पर चला जाता है, वहां पर तो लंगड़े दौड़ते हैं, अंधे देखते हैं, हर तरह की बीमारियों के जकड़े हुए आजाद होते हैं। सब जोर से बोल दें आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। कल 8 बजे फिर से मुलाकात होगी परमेश्वर की हुजूरी में, फिर संडे को होगी जिंदा हुजूरी में। सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। पर एक बार फिर से प्लीज प्रेज द लॉर्ड बोल दें मेरी फेसबुक, हमारी फेसबुक फैमिली को। यार आदत पड़ी हुई है तो इसलिए मैं मेरी कह देता हूँ, अब मुझे हमारी कहना पड़ेगा, हर जगह पे हमारी हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर सभी को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और हमारे सॉन्ग को जैसे आप अभी भी लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर कोई दिन में 10 बार सुनता है तो मैं चाहती हूँ उससे ज्यादा बार वो उसे शेयर करें। और हमें बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि वो तो रिपीट पे लगा के रखते हैं सॉन्ग को। थैंक यू सो मच, आप रिपीट पे ही लगा के रखें जी। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और हम बहुत सारी मिनिस्ट्री में आने वाले टाइम में प्लानिंग्स कर रहे हैं अपने यूथ के लिए, और बहुत सारी नई चीज़ें, नया रेवलेशन लेके परमेश्वर के दास प्रेरित रमनहंस जी भी आ रहे हैं। और अभी वो फास्टिंग में हैं और प्रार्थना में हैं। और जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, सिर्फ 2 से 3 बार ही मैं उन्हें मिल पाई हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ब्लेसड फील कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा वो प्रार्थना में रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। कई बार आवाज़ आती है तो हम सुनते हैं कि वो हमेशा प्रार्थना में रहते हैं। तो परमेश्वर ने बहुत उन्हें ब्लेस किया और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेसड फील कर रही हूँ उस फैमिली में आके। मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, और आप सभी भी जो हमारी फैमिली हैं, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी इन योर फैमिली, शमी हंस फैमिली। और हमारे गीत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन्होंने नहीं देखा है वो दोबारा फिर देख पाए। क्योंकि अभी 2-3 महीने हुए मुझे ये पेज बनाए हुए, तो इतने फॉलोअर्स लाइक्स अभी नहीं है, तो लोगों को पता नहीं है इस पेज का और इस यू नो नए फेसबुक पेज का। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब शेयर कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, इतने मैसेजेस है सीरियसली, मतलब हम अगर चाहें भी कि हम सारा दिन बैठ के उनका रिप्लाई करें थैंक यू, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें लाइव आना पड़ा और हम आना भी चाहते थे ताकि हम अपनी फैमिली से बात कर सकें। तो थैंक यू सो मच।
हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। और अगेन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए, और जितनी भी प्रेयर्स आपके लिए हुई है उनको हाँ और आमीन में रिसीव करें। और जल्दी हमारा क्रिसमस सॉन्ग, मेरा और परी का, आप सबके लिए हम क्रिसमस सॉन्ग लेकर आएंगे और जल्दी वो रिलीज़ होगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम मिनिस्ट्री में और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करें। जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए दुआगो हो जाएं, उनके लिए घुटनों पे आ जाएं। और मैं और परी जल्दी हम फास्टिंग और प्रेयर्स में जाने वाले हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिनर पे बुला लेता है, कोई ना कोई लंच पे बुला लेता है, तो इसलिए अब फास्टिंग अभी नहीं किया 9 दिन से। तो लेकिन सून नेक्स्ट वीक में हम 7 डेज फास्टिंग में जाएंगे, और मेरा ईमान है उन 7 डेज में आप परमेश्वर की बहुतायत की आशीष को पाएंगे। परमेश्वर के दास जिस तरह से फास्टिंग में, हम चाहते हैं कि हम भी उनके साथ फास्टिंग में जाएं, और फिर अनॉइंटिंग डबल हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जब एक फैमिली, हंस फैमिली आपके लिए प्रेयर कर रही है, आपके लिए दुआगो है, तो आपके दुख टूटें, आपकी बीमारियां जाएं, क्योंकि हमारा यीशु वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मैं मेडिसिन पे बिलीव नहीं करता हूँ, सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा बिलीव यीशु पर आए, हमारा बिलीव मेरे खुदावंद, जिंदा खुदावंद पे आए, जो ऑलवेज हमारे टेक केयर करते हैं। तो आप सब लोगों को फिर से एक बार दिल की गहराइयों से लव यू एंड थैंक यू सो मच, और परी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्यार, और इसे इतना प्यार करने के लिए, और इसे इसके गीत को और मेरी आवाज़ में इसकी आवाज़ को पसंद करने के लिए मैं फिर से एक बार आपका थैंक यू करता हूँ। परमेश्वर के जितने जन हमें सुन रहे हैं, आप हमारे सर पर अपनी प्रेयर्स का, अपनी ब्लेसिंग्स का हाथ रखें, ताकि हम इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह में ग्रो करते जाएं और खुदावंद के कामों को आगे लेके जाते जाएं। परमेश्वर आपके साथ हैं, आपको प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।